तो यहाँ पर मैं फिक्स कर दूँगा एक बॉम्ब को, जो कि बिजली बॉम्ब है छोटा सा। अब ट्राई करते। ओह इट्स अ रियली अमेजिंग। अब यहाँ पर मैं पूरा बारूद निकाल के इसको एक साथ में जला दूँगा। यहाँ पर मैं वायर रख दूँगा। ओ वाओ। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ज़ैद राकेन, नाउ वाचिंग अस एट आर हैकर। यार बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और ऐसा हो तो नहीं सकता कि आप दिवाली में फटाके नहीं फोड़ेंगे। तो मैंने आज आपके लिए एक ऐसी डिवाइस बनाया ताकि आप इजीली आप बटन से ही अपने पटाखों को फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा, बीच में प्लीज़ स्किप मत कीजिए। पर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एक लैपटॉप की बैटरी, जो कि 3 लैपटॉप की बैटरी ले लिया हूँ मैंने। आप कोई भी लैपटॉप की पुरानी बैटरी को लेके इसमें से एक सेल निकलता है, ऐसा आप निकाल सकते हो, 6 सेल निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले सीरीज़ में यूज़ नहीं करूँगा, मैं पहले प्लस और माइनस में यूज़ कर दूँगा। देखो यहाँ पर ऊपर प्लस है, यहाँ पर नीचे माइनस है, तीनों को सोल्डिंग कर देना है। अब मैं यहाँ पर है ना एक वायर लेने वाला हूँ, 1.5 मीटर की वायर। अब मैं यहाँ पर इसका जो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है उसमें नेगेटिव जॉइंट कर दूँगा, जो कि वाइट कलर का है। अच्छी तरह से इसको फोल्ड करना है। और जो रेड वाला दिख रहा है वो पॉजिटिव में जॉइन कर दूँगा मैं, कुछ इस तरह से। अब जो मैं ना एक स्विच लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर जो रेड वाली वायर है इसको बीच में से काट दूंगा और ये स्विच बन जाएगा। यहाँ पर मैं स्विच फिट कर दूंगा, जो कि पुश बटन है मेरा, ताकि मैं पुश करूँगा और ये हमारा जो डिवाइस है वो चलना चालू हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर है ना मुझे सोल्डिंग करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कनेक्शन फिर ख़राब हो सकता है हमारा, तो उसे बेटर रहेगा कि हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे ना इस जो वायर मैंने लगाया है उसको टेप से चिपकाना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैं चार्जिंग का एक पॉइंट दे दूँगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव की जगह मैं पॉजिटिव ले लूँगा, जो कि ब्लैक एंड वाइट है, वो मेरा पॉजिटिव वायर है। और जो वाइट कलर का है, जो फुल ब्लैक है चार्जिंग का, वो मैं नेगेटिव में डाल दूँगा। आप देख सकते हो एक ब्लैक वायर है और एक ब्लैक एंड वाइट है। अब यहाँ पर मैं स्विच को मैं ना सोल्डिंग कर दूँगा ताकि इसका कनेक्शन अच्छे से वर्क करे। अब यहाँ पर मुझे मैं टेप से चिटका दूंगा। अब यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर खाली पॉजिटिव नेगेटिव पूरी नेगेटिव में जा रही है, खाली पॉजिटिव में मेरा ना एक ब्रेक होके स्विच लगा है। आप देख सकते हो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में मैंने चार्जिंग की पिन भी कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर आप चाहे तो USB भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर दो वायर को छील डालूँगा और मैं डायरेक्ट यूज़ कर दूँगा। मेरा एक ओपन चार्जर है तो मैं उससे ही चार्ज करूँगा इसको। आप चाहे तो USB की पिन भी लगा सकते हैं चार्ज करने के लिए। अब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से टेप से इसको चिटका दूँगा। ओके, मेरी ये वायर जो थी वो बराबर वर्क नहीं कर रही थी, बीच में से ब्रेक था, तो मैंने यहाँ पर वायर चेंज कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की वायर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो वायर है ना, ये हीटिंग वायर है, जो कि आगे लगेगी, जिससे हमारा जो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होएगा, क्योंकि ये जो हीटिंग वायर है, नाइक्रोम वायर, जिसका नाम है नाइक्रोम वायर, ये आपको इजीली अमेज़ॉन पे भी मिल सकता है आप सर्च करोगे तो, या तो आपके घर में ही ये मिल सकता है। आपकी अगर कोई पुरानी अगर ख़राब इस्तरी होगी उसके अंदर से ये कॉइल के अंदर से निकलता है, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है उसमें से भी निकलता है। तो यहाँ पर दोनों सिरे पर मैं इसको ना जॉइंट कर दूँगा अच्छी तरह से। आप देख सकते हो ये हीट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक माचिस रख के दिखा देता हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पर बटन दबाते हुए ये जलना चालू हो जाएगा। सी, लुक एट दैट। तो चलते अभी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर दूँगा एक बॉम्ब को, जो कि बिजली बॉम्ब है छोटा सा। अब ट्राई करते। ओह इट्स अ रियली अमेजिंग।
अब यहाँ पर मैं पूरा बारूद निकाल के इसको एक साथ में जला दूंगा। यहाँ पर मैं वायर रख दूंगा। ओ वाओ, ऑलराइट गाइस, तो ये डिवाइस मैंने बनाया था रॉकेट लॉन्चर के लिए। जैसे ये रॉकेट लॉन्चर के भी काम में आ जाएगा और जो हमारे जो फटाके हैं वो भी फोड़ सकते हैं इजीली। और मैंने ना अगली वीडियो में बनाऊंगा रॉकेट के ऊपर, जो कि आप इजीली आपके घर में बना सकते हो, तो वीडियो वो देखना मत भूलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल ZR हैकर को, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।